खबर कानपुर से है। बेदुनुई पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। खबर कानपुर से सामने आ रही, जहां बेदुनुई पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 24 घंटे के अंदर मोबाइल दुकान में हुई चोरी का पर्दाफाश किया है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खबर कानपुर से सामने आ रही है, बीती रात को शातिर चोर ने मोबाइल दुकान को बनाया था निशाना। शातिर ने मोबाइल दुकान में रखा लाखों का माल किया था पार, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शातिर चोर ने रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। शातिर चोर बता दें, रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने चोरी का माल समेत एक लोडर बरामद किया है। एडिशनल DCP अंकिता शर्मा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। खबर कानपुर से है, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कानपुर कमिश्नरेट थाना बेदुनू क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। सीएम योगी का गोंडा दौरा, बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा है। दौरे के दौरान काफी मशीन हुई ब्लास्ट, बता दें कॉफी मशीन ब्लास्ट कर गई। दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा था, जहां पर ब्लास्ट होने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं पर कॉफी मशीन ब्लास्ट हो गई, जिसके बाद एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा था, जहां पर एक हादसा हो गया है। बताया जा रहा है कि कॉफी मशीन ब्लास्ट हो गई, जिसके बाद एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्लास्ट होने से एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा था, जहां पर कॉफी मशीन ब्लास्ट कर गई। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बता दें कि दौरे के दौरान कॉफी मशीन ब्लास्ट कर गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोंडा दौरा था, जहां पर कॉफी मशीन ब्लास्ट कर गई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने ट्वीट किया है, यूपी के सभी 80 लोकसभा सीट पर जीत का दावा किया। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी के सभी 80 लोकसभा सीट को जीतने का दावा किया है। यूपी में भाजपा 80 लोकसभा जीतेगी, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया। संभल में लेखपाल का रिश्वत लेने की बातचीत का वीडियो वायरल हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर लेखपाल का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। तहसीलदार को रिश्वत दिए जाने पर ग्रामीणों से बहस करता दिखाई दिया लेखपाल। खबर संभल से है, जहां पर लेखपाल का वीडियो वायरल हुआ है। तैनात लेखपाल खुसरो जब्बात का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। रिश्वत लेने के मामले में पहले भी निलंबित हो चुका है लेखपाल। खबर संभल से है, जहां पर लेखपाल का रिश्वत लेने की बातचीत का वीडियो वायरल हो गया है। लखनऊ में नगर निगम के 2 अपर नगर आयुक्त हटाए गए। नगर निगम में सेवा दे रहे थे 2 अधिकारी। खबर लखनऊ से है, पंकज सिंह अपर नगर आयुक्त हटाए गए। 2 नगर अपर आयुक्त को हटाया गया है। खबर लखनऊ से सामने आ रही है। अभय पांडे अपर नगर आयुक्त हटाए गए हैं। दोनों अपर नगर आयुक्त को किया गया प्रश्नोत्तर। जल्दी इन दोनों पदों पर होंगे नए अपर नगर आयुक्त। आगरा यमुना ने दिखाया अपना रौद्र रूप। जिला प्रशासन ने किया अलर्ट। बड़ी खबर आपको बता दें, आगरा में यमुना ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। जिला प्रशासन ने जहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। यमुना के किनारे बनाई गई चौकियां, यमुना के किनारे चौकियां बनाई गई हैं। यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। यमुना का पानी आज सुबह ताजगंज शमशान घाट में पहुंचा है। यमुना लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। शमशान घाट में पानी पहुंचने पर रोक दिए गए अंतिम संस्कार। वही यमुना का पानी शमशान घाट में पहुंचने पर अंतिम संस्कार रोक दिए गए हैं। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने जारी अलर्ट किया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता जिशान अहमद जुड़ चुके हैं। जिशान, लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, अब वहीं पर बताया जा रहा है कि शमशान घाट के पास भी पहुंच चुका है, जिसमें अंतिम संस्कार रोक दिया गया है। क्या कुछ अधिक जानकारी है?
देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, दिल्ली में रोज रूप दिखाकर डराने वाली यमुना अब आगरा में भी विकराल रूप दिखा रही है। यमुना अब यमुना की अब सीमाओं को यमुना सीमाओं को लागने लगी है और आगरा में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता देखा जा रहा है। उसी को लेकर आज जो जल स्तर यमुना नदी का बढ़ा है, जो मोकगाम है वहाँ पर भी पानी बढ़ गया है, जिसको लेकर मोकगाम में जो अंतिम संस्कार किए जाते हैं वहाँ पर रोक लगा दी गई है। जितने भी यमुना के जो बगल के इलाके हैं वहाँ पर खाली कराए जा रहे हैं और जो यमुना के बगल के मोकगाम है उनको भी वहाँ पर अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। आगरा पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, सभी जगहों का निरीक्षण कर रहा है। खुद जिलाधिकारी आगरा भी यमुना नदी के किनारों का निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ पर चौकियाँ बनाई है, जिससे बाढ़ की जो आशंका है उसको देखते हुए चौकियाँ बनाई गई है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुशान। फरीदाबाद में बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने पहुंचे परिवहन मंत्री। खबर फरीदाबाद से है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और विधायक दीपक मंगला पहुंचे धंतरी गांव। सरकार हर संभव प्रयास कर आमजन की मदद के लिए तैयार है। गोरखपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें माध्यमिक विद्यालय के कई बच्चे अस्पताल में हुए भर्ती। इस वक्त की गोरखपुर से बड़ी खबर, माध्यमिक विद्यालय के बच्चे अस्पताल में हुए हैं भर्ती। मिड डे मील के खाने में मिले कीड़े, इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां पर मिड डे मील के खाने में कीड़े मिले हैं। बच्चे गंभीर रूप से बेहोश हो गए, बच्चे खाकर हुए बीमार, मचा हड़कंप। तो बच्चे बीमार हो गए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुलहिरा क्षेत्र के सरैया स्थित का पूरा मामला बताया जा रहा है। मिड डे मील के खाने में कीड़े मिले हैं, गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मिड डे मील के खाने में कीड़े मिले हैं। माध्यमिक विद्यालय में कई बच्चे अस्पताल में हुए भर्ती। माध्यमिक विद्यालय के कई बच्चे अस्पताल में हुए भर्ती। मिड डे मील के खाने में कीड़े मिले हैं, जिसकी वजह से बच्चे बीमार पड़ गए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि मिड डे मील के बच्चे खाकर हुए बीमार, मचा हड़कंप। लगातार आपको गोरखपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गुलहिरा क्षेत्र के सरैया स्थित का पूरा मामला बताया जा रहा है। हमीरपुर में बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसे में एक घायल अस्पताल में भर्ती। खबर हमीरपुर से है, जहां पर बाइक की टक्कर हो गई है, युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल संतराम को सरीला सीएससी में कराया गया भर्ती। गंभीर हालत में डॉक्टरों ने घायल को उपचार के बाद किया झांसी रेफर। खबर हमीरपुर से है। बाइक सवार पिता पुत्र पुरैनी गांव के बताए जा रहे निवासी। जरिया थाना क्षेत्र के पवई गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। कन्नौज में शौचालय टैंक में गिरने से मासूम की मौत। बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही, जहां पर शौचालय टैंक में मासूम गिरा, जिसकी मौत हो गई। हादसे के 5 घंटे बाद परिजनों को हुई जानकारी। ग्रामीणों के सहयोग से शव को टैंक से निकाला बाहर। बता दें कि बच्चे के शौचालय टैंक से मौत हो गई। शिवरामऊ के उतवाली क्षेत्र के कुंवरपुर कंडोली गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है।